बादाब अहमदियत जिंदाबाद असलकुम वरहमतल्ला एम टी ए इंटरनेशनल के लंदन स्टूडियो से आलमी जमाती खबरों के बुलेटिन के साथ हाजिर हैं हज़रत खलफतुलमसी ख़ामिस ते नसर लजीज़ ने मुर्खतीस दिसंबर सन दो हज़ार ग्यारह को मस्जिद बैतुलफुलंदन में ख़ुब जुमा अरशाद फरमाया और नमाज़ पढ़ाई हजूर अनवर के ततबे का नहायत ही मुख्तर खुलासा पेश खिदमत है जो कि असल मतन का मुतबादल हरगिज़ नहीं है तशाहत और सूर फातः की तिलावत के बाद फरमाया कि हज़रत मसीह माऊद असलम एक जगह फरमाते हैं कि सहबा की जमात उतनी ही ना समझो जो पहले गुजर चुके हैं बल्कि एक और ग्रोह भी है जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने क़ुरान करीम में किया वो भी सहाबा में दाखिल हैं हजूर अनवर ने तुरन करीम की सूर जुमा की आयत चार व आख़रीन मनहुम लम्मा यकू बहिम अजीजुल हकीम की तिलावत फरमाई और फरमाया कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलातो वस्सलाम की जमात भी सहाबा होगी यानी वो लोग जिन्होंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलातो वस्सलाम को देखा आप की बैत की और आप अलैहिस्सलाम की पाक सोबत से मुस्तफीद होते हुए अपने ईमान वकान में तरक्की की हजूर अनवर ने फरमाया कि हजरत मसीह मऊदल वसलाम ने फरमाया है कि इस आयत के मतलब मुफसरीन ने मान लिया है कि ये मसीह मऊदल की जमात ही होगी हजूर अनवर ने फरमाया कि पस वो लोग जिन्होंने हज़रत मसीह वसलाम से फैज़ पाया यकीन उनका एक मकाम है और उनमें से हर एक हमारे लिए एक काबिल तकलीद नमूना है हजूर अनवर फरमाया कि सबा के ज़रिए हज़रत मसीह मऊदलात वसलाम की मजालस के हालात और कैफियात हम तक पहुँचती हैं हजूर अनवर ने फरमाया कि उन उनबा का हज़रत मसीह मऊदलात वसलाम की तबीयत की वजह से और उस नूर की वजह से जो हज़रत मसीह माऊद्लाम ने अपने आका मुता हज़रत मोहम्मद मुस्तफा मुस्तफ़ी सल्लाम से लिया अल्लाह ताला ने आपके सहाबा की ऐसी काया पलटी कि हर एक एक अजीब शान रखने वाला बन गया चाहे वो गरीब था या अमीर पढ़ा लिखा था या अनपढ़ सब के सब एक मामूली रंग में रंगीन हो गए हजूर अनवर ताला रईल्ला तजतर मसी माऊद अलातम के चंद बुजुर्ग सबा की पाक जिंदगी से नहाय थी ईमान अफरोज़ वाक़ात बयान फरमाए। फरमाएर अनवर रईल ताला ने दुआ की कि अल्लाह ताला हमें भी अपने अंदर पाक तब्दीलियाँ जारी करने और कायम करने की तौफीक अता फरमाए हुजूर अनवर अदा अल्लाह ने नए साल के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला जमाती रंग में भी और इनफरादी तौर पर भी इसमें हमारे लिए बहुत बरकतें नाजिल फरमाए आखिर में हुजूर अनवर अल्लाह ताली ने मोहतरम जमालुद्दीन साहब ऑडिटर सदर अंजुमन अहमदिया पाकिस्तान की वफात का एलान फरमाते हुए उनका जिक्र ख़ैर फरमाया और बादस नमाज जुमा उनकी नमाज जनाजा गायब अदा की नाजर कराम अब हमारे पास बरतानिया में ग्लासगो से एक रिपोर्ट है जो कि वहाँ ईद की तकरीबा और क़ुरान करीम एग्जिशन के बाबत है मुलाज़ा फरमाइए ईद मिलन पार्टी मजलस ना स्कॉटलैंड की तरफ से मुर्खा तेरह नवंबर दो हज़ार ग्यारह बरोज़ ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया गया जिसमें जर्मनी और रूस के कौनसलेट जनरल मेहमान खसूसी बुलाए गए थे मेहमानों का पुरजोश इस्तकबाल किया गया और उन्हें इस्लाम अहमदी से मुतारफ कराने के लिए लीफलेट्स दिए गए कुरानी मजीद की एक खूबसूरत नुमाइश का भी एहतमाम किया गया जहाँ कुरान पार्क के बावन बवंजा ज़बानों में तराजम जो जमात अहमदिया ने किए हैं रखे गए इसके अलावा एक नुस्खा बराइल में भी रखा गया इस नुमाइश का अफ्ताह मिस्टर वोफ़ गेंग मगर जर्मनी के कौनसलेट जर्नल ने किया ईद मिलन पार्टी का प्रोग्राम नायब सदर नसार यू के की सदारत में कुरानी मजीद की तलावत से शुरू किया गया जिसका अंग्रेजी तर तर्जमा भी पढ़ा गया रिज़नल सदर नसारुल्ला स्काटलैंड ने प्रोग्राम का तारफ़ कराया रिज़नल सदर जमात अहमदिया स्काटलैंड ने अहमदिया मुस्लिम जमात का तारफ़ कराया जिसमें जमात के मुख्तलिफ कारनामों का जिक्र का करते हुए फरमाया कि किस तरह इस्लाम अहमदीत का पैगाम दुनिया के किनारों तक पहुँच रहा है इसके बाद स्काट के मुबलग इंचार्ज ने मेहमानों से खतब फरमाया जिसमें उन्होंने हज और ईद की अहमियत बयान की उन्होंने फरमाया कि हज कोई नई चीज़ नहीं जो मुसलमानों से शुरू होती हो हज की इबादत हजरत इब्राहीम से के वक्त से शुरू होती है जर्मनी के कौनसलेट जनरल ने अपने खिताब में जमात अहमद मुसलमान का शुक्रिया अदा किया कि उन्हें इस खूबसूरत मजरस में मद्दू किया गया है इसके बाद रूस के कौनसलेट जनरल ने खिताब किया उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए फरमाया कि उन्हें प्रोग्राम में शिरकत करने में बड़ी खुशी और इज्जत महसूस हो रही है इसके बाद सदर मजलस ने खता फरमाया जिसमें उन्होंने ईद मिलन की असल मकसद जो कि अमन का पैगाम देना है फरमाया कि इस्लाम और क़ुरान अमन की तालीम देते हैं और अमन ही इस्लाम का मतलब है और अब इस ज़माना में यही पैगाम हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की बासत से फिर शुरू हुआ है स्कॉटलैंड फर्स्ट मिस्टर मिस्टर एलेक्स सॉलमंड का पैगाम भी पढ़कर सुनाया जिसमें उन्होंने प्रोग्राम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया इसके बाद स्कॉटलैंड के बल्लग इंचार्ज ने जर्मनी और रूस के कौनसलेट जर्नल्स को अपनी अपनी जबान में कुरुन मजीद के तहफ पेश किए मिस्टर बॉब टॉम ने भी मेहमानों से ख़ब किया उन्होंने ज़मात अहमदिया के कारनामों की तारीफ करते हुए फरमाया कि ज़मात अहमदिया मुसलमान का कौल लव फॉर ऑल हेठर फ़ॉर नान या मोहब्बत सब के लिए नफरत किसी के लिए भी नहीं ना सिर्फ कहते हैं बल्कि इस पर अमल भी करते हैं प्रोग्राम में सौ से जायद मेहमानों ने हिस्सा लिया जो मुख्तलफ़ मज़ाहब से ताल्लक़ रखने वाले थे प्रोग्राम का अख्ताम दुआ से किया गया जो स्कॉटलैंड के मुबलग इंचार्ज ने कराई इसके बाद मेहमानों को इशाइयाँ पेश किया गया जिससे सब अहबाब बहुत लुफ्फोज़ हुए ये रिपोर्ट एम टी ए इंटरनेशनल स्टोडियो के स्टोडियो से सैयद नसीर अहमद ने पेश की नाजरीन कराम अब हमारे पास जर्मनी से एक रिपोर्ट है जो कि एक तकरीब शजरकारी के बाबत है जर्मनी की एक जमात रीटस्ट में मजलसंसार्ला के जेर इंतजाम सत्रह नवंबर सन दो हज़ार ग्यारह को दोपहर दो बजे एक पार्क में पौधा लगाया गया जमात रीटस्टड की दावत पर मकामी मेयर मिस्टर आमिन भी तशरीफ लाए तकरीब का आगाज आला जमाती रवायात के मुताबिक तिलावत कुरान करीम से हुआ मुकरम नसर अहमद साहब ने तिलावत करदा आयात का जर्मन तर्मा पेश करने के बाद बताया कि जर्मन कौम से दोस्ती और कौमो मिल्ल की खिदमत की अलामत के तौर पर यह पौधा लगाया जा रहा है काबिल अहतराम मेयर मिस्टर आमिन साहब ने इस जमाती इकदाम को सराहा और मुकरम अब्दुल्ला ऊब वाग अमीर जमात जर्मनी ने जनाब मेयर की तशरीफ़ आवरी पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनको यादगारी शील पेश की बादल मोहतरम अमीर साहब ने एल्स ब्लेयर नामी यह पौधा लगाया और जनाब मेयर ने गमले में मट्टी डालकर उसे पानी दिया और अपने तरीक के मुताबिक दुआ में शामिल भी हुए जमात रीटस्ट की तादाद सात सौ अफराद पर मुश्तमिल है यहाँ की मस्जिद अज़ीज़ का अफ्ताह हजरत अमीर उलमिन एय बिनजीज़ ने सन दो हजार चार में फरमाया और दिसंबर सन दो हजार नौ में जाम अहमदिया की इमारत का संग बुनियाद रखा जो तामीर के आखिरी मराहल में है इस तकरीब की एक खास बात इसमें जर्मन लोगों का शामिल होना भी है जो मकामी अहमदियों के साथ उनकी दोस्ती की अक्स है आपकी इस कावि से मुझे बेहद खुशी हो रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी ऐसे दरत लगाए जाते रहेंगे मोहब्बत और भाईचारे का दर्श देकर यह तकरीब इंतहाई पुरमसरत माहौल में अख्ताम पजीर हुई और जर्मन मुआर को इस्लाम का पुरान पैगाम पहुँचाने का जरिया हुई नजरीन कराम अब हमारे पास कनेडा से समर स्कूल के बारे में एक रिपोर्ट है मुलायजा फरमाइए अल्लाह ताली के फजल से इस साल जमात अहमदिया कैनेडा ने गर्मियों की छुट्टियों में इतफ़ाल और के लिए एक समर स्कूल चलाया इस स्कूल की क्लासेज एक मकामी स्कूल में हुई स्कूल में एक सौ तीस तलबा और तलबात ने शिरकत की जिनको पाँच मख्तल जमातों में तकसीम किया गया पंद्रह रुकनी टीम इस स्कूल को चलाने की जिम्मेदार थी स्कूल रोज़ाना सुबह नौ बजे से एक बजे दोपहर तक होता था और इसका दौरानिया डेढ़ माह था इस स्कूल में कुरान करीम उर्दू पढ़ाई मजहबी मालूम के साथ मुख्तलिफ दुनियावी मजामी भी पढ़ाए गए जिनका आगाज़ तलाब कुरान करीम से होता और इसके बाद कैनेडा का कौमी तराना गाया जाता पढ़ाई के अलावा दूसरी कार्रवाइयों पर भी तोह दी गई जिनमें में मजाहब से तारफ़ और उर्दू ज़ुबान में तकारीर वगैरह शामिल तमाम तलबा को ट्रांटो के शाही अजायब घर की भी सैर कराई गई जहाँ उन्होंने कुरने करीम पर एक खूबसूरत नुमाइश देखी स्कूल के अख्ताम पर कामयाब होने वाले तलबावल में सनत तकसीम की गई स्कूल के प्रिंसिपल मोहत्म तायर अहमद साहब ने स्कूल के बारे में फरमाया ने मीर साहब को इस बारे में लिखा और इसी दौरान यार्पन स्कूल बोर्ड से यह दरख्वास की कि हम उनका एक स्कूल इस मकसद के लिए इस्तेमाल करें हमें बताया गया कि आप बहुत लेट हो चुके हैं और इस साल तो ये मुमकिन नहीं दूसरी तरफ अमीर साहब को ये तजवीज़ बहुत पसंद आई और उन्होंने इसकी मंजूरी भी दी और उनकी मंजूरी आते ही खुदा तला के फजल से तमाम रुकावटें दूर होने लगें और ना सिर्फ ये कि हमें स्कूल इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल गई बल्कि इंतजाम ने हमें स्कूल की चाबियाँ दीं और कहा कि आप इस स्कूल की कोई भी फैसिलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं नेशनल सेक्ट्री तालीम कैनेडर डॉक्टर एजाज रूफ साहब ने क्लास के बारे में अपने ख्याल का इजहार कुछ यूँ किया दौरान साल संडे स्कूल चलता है फिर समर में हम बच्चों के लिए समर कैंप्स लगाते रहे खुदाम और लजना के लिए लेकिन समर में छोटे बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम नहीं था इम साल ताहिर अहमद साहब ने ये नज़रिया पेश किया कि बच्चों के लिए समर स्कूल लगाना चाहिए एम टी ए इंटरनेशनल जमात न्यूज़ मस्जिद बैतूल टोरंटो कैनेडा नाजर कराम अब हमारे पास मायामी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक बुक फेयर के बाबत रिपोर्ट है हर साल नवंबर के महीने में दुनिया भर से कुतुबीनी के शौकीन हज़रा और बैन अवी शहरत के हामिल अदीब अपनी तसानीफ के साथ मायामी के बैन अवी कुतुब मेले में शिरकत करते हैं अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के मयामी हलक़े की जानब से सन उन्नीस से हर साल इस मेले में शिरकत की जाती है मुख्तलफ़ानों में जमत अहमदिया की तरफ से तर्जमाशद क़र हकीम के अलावा मुख्तलफ़ मौजुआत मसला अम जहाद औरतों और इंसानी हकूक़ से मुतल लाताद किताबें मौजूद मुझ, थीं। तकरीबन दो हज़ार पाँच सौ अफराद ने जमात अहमदिया के स्टॉल्स में दिलचस्पी जाहिर की और इस्लाम और अहमदियत के मुतालिक मुख्तलिफ सवालात किए जिनके उनको जवाब दिए गए और मायामी बुक फेयर की इस रिपोर्ट के साथ ही नाजरीन कराम आज का जमाती ख़बरों का बुलेटिन इख्ताम को पहुँचा अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए असल वरह वक्